ईंट मारनी रह गई अपने पैर पा जे लदो तो मारने इसने दुखी कर दिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मास्टर जी यूट्यूब चैनल। आपका यही काम है? हाँ? क्या काम है? वीडियो बनाना। और फिर बेटे तुम तो अपना काम करते नहीं, उसने कहा यही है, तेरी पिटाई हो जाएगी। प्रियल गुड मॉर्निंग बोले आपने, चाचू का ना ताऊ नहीं कह दिए। अच्छा गुड, आपको मिले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मास्टर जी यूट्यूब चैनल। और भाई आज संडे, और संडे की सबसे अच्छी बात क्या लगती है भाई मुझे, कि अपना आप चाहे नाना पड़े ना पड़े, बट जो व्हीकल होते हैं ना भाई, उनको जरूर नहलाना पड़ता है उस दिन। तो नहलानी पड़ेगी भाई गाड़ी। अब क्या कर डैडी? और भाई सामने जो है ना अपने स्कूल है घर के, और पेड़ थोड़ा जो अशोका का ट्री है ना भाई, थोड़ा बढ़ गया है, उसके पत्ते बहुत झड़ते हैं नीचे, छटाई करते हुए इस टाइम। बेटा कार नहीं छेड़नी है बिल्कुल भी, ठीक। लो भाई गाड़ी को धो देते हैं। और यार बस ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करते भाई, जैसा मैं अपना अपना ताऊ वैसे भाई मैंने गाड़ी भी नहला दिया, साफ कर दिया बिल्कुल चकाचक। सुबह के जो पराठे थे ना वो भी पच गए अच्छे से। मुझे देख के जो कजन है ना उसे भी रीस आई, और वो भी अपनी गड्डी को साफ करने लग गया। फिर इस बेर घर को पता गाड़ियाँ दवा दी कजन ते भी। और दूसरा यार एक और बड़ी टेंशन की बात ये हो रही है कि भाई गाड़ियों की भी जो इनकी लाइफ 10 साल हो गई है ना, तो गवर्नमेंट के आदेश अनुसार भाई उनको चेंज करनी पड़ेगी, मीन्स अलाउड नहीं होंगी भाई वो शहर में चलाना। कल डैडी से बात भी करी थी कि डैडी गाड़ी बदल ले, तो भाई 3-4 बातें सुनने को मिल गई। और भाई इसी को ही धो लेते हैं, साफ सुथरी कर लेते हैं, और अपने जो भी शौक है ना इसमें ही पूरा कर लेते हैं। अब ना भाई कज़न को जो है ना उसकी वाइफ से भी गालियाँ दिलवा देते हैं, बगड़ मैंने धो दिया है, अब वो भी देखेंगे कि बगड़ दो जा रहा है तो तुम बगड़ दो। लो भाई कज़न की तो ड्यूटी नहीं लगी साफ सफाई में, बट चाचा जरूर रह गया खुद झाड़ू उठा के। इस तरह का पूरा कंपटीशन बना रहता है भाई दो घरों के बीच में। और ये रही भाई अथर्व की गायें और छोटी सी उसकी बछड़ी, घास भी डाल कर बेटा पे दूध दूध पीते हो। ये सिर पेड़ का की रह गया नींबू, नींबू इसी पेड़ का है क्या? वो लो भाई देखो इतने बड़े बड़े हैं। ये देखिए भाई बाहर का मौसम पूरी HD क्वालिटी आई हुई है, क्योंकि कल भाई बारिश हुई थी, और बारिश के बाद आप देख सकते हो कितनी धूप निकली हुई है। इस टाइम ग्राउंड में पानी हो रखा, बच्चे जो है वॉलीबॉल खेलते हैं यहाँ पर। क्या चाहिए बेटा? लो भाई आज संडे के दिन फ्लावर भी लगा देते हैं थोड़े बहुत, जो रेट तय हो जाता है, रेट बन जाता है, बन जाएगा ताऊ रेट। अच्छा ये गजनिया है जी, धूप के साथ खिलेगा। अच्छा और शाम को बन जाएगा फिर खिलेगा। कह रहे बहू जी देखो गेंदा ना, यो नीले कलर दे दो, ये सुंदर भी लगता है। यहां कौन सा? ये देखिए ना प्यारा कलर, ये निकाल और एक इसका जो कलर निकाल। तो एक डायलॉग भी मार दे अपनी दुकान का, ताकि बंदों ना पता लग जाए कि गांव में एक बंदा हुआ जो फ्लावर लेके आवा, और सीधा तेरा कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर दे, पेदी फ्लावर लेवा भाई कोई भी। लो भाई फ्लावर ले लिया है घर के लिए, लो भाई 6 पौधे हमने लिए, और कजन ने जो है ना भाई 12 ले लिए। पूरा कंपटीशन चल रहा भाई, पूरा दबा के। लो भाई तो सारी करते मरते, इसके ऊपर ही जाना बस। हाँ देखी जागी, हाँ मैं कुछ चीज ले लूंगा पहले, टपक जा। ईंट मारनी रह गई अपने पैर पा जी, लदो तो मारने, हाँ इसने दुखी कर दिए। और भाई फाइनली नहा धो के तैयार हो गए हैं, लंच हो गया है दोपहर का। वैसे यार पेट कम करने की सोच रहे, पेट भी बहुत बड़ा हुआ है, और ऊपर से करोलियाँ मटर दर्द है भाई आगे में। बहुत टाइम हो गया साइकिल चलाए भी, काफ़ी टाइम से जो साइकिल है ना यहीं पर खड़ी हुई है, और बड़ा डस्ट हो गया भाई इस पर। थोड़ी सी सफाई कर देते हैं और फिर लेकर चलते हैं भाई आपको ट्यूबल पे साइकिल से। ना भाई अभी तो हवा भी बड़ी कम है साइकिल में, और थोड़ा चलेगी नहीं इसकी सर्विस करा के तभी चलाएँगे भाई इसको। खेत में आने पे ट्यूबवेल के नज़ारे यहाँ पर, और जो गेहूं की फसल है ना अभी गुंजाइश है भाई, दिनों में जो है ना इसमें सुनहरी कलर का रंग आना स्टार्ट हो जाएगा, और लगभग 1 महीने में काम स्टार्ट भी हो जाएगा भाई कटाई का। और ये खड़ी भाई लेटेस्ट मॉडर्न टाइम की बुग्गी, पहले आपको पता है दोस्तों कि बुग्गी झोटा और बैल चलता था भाई बग्गी में, वो उसकी जगह जो है ना इस तरह की रेडियो ने ले लिया, और बड़ा ईजी भी हो जाता है भाई इस पर घास लेकर आना। मोस्टली भाई अपने गांव की बात करें हम तो सभी के पास ना इसी तरह की ही बग्गी है भाई। पॉपुलर की पौध 30 रुपए बेटा कह रहा, 30 रुपए का एक। हाँ और देख सकते हो भाई पॉपुलर लगाने का टाइम आ गया, दो तीन दिन पानी देना पड़ा, इतना समझो जड़ नहीं पकड़ते पेड़। और भाई हम अपने खेतों की बात करें ना, इस टाइम यहाँ पर पॉपुलर कहीं पर नहीं है,
क्योंकि इसका छाया होता है और फिर छाया के कारण इसमें फसल भी जो है ना नुकसान होता है थोड़ा सा। बट ऐसी जगह जहाँ पर छाया भी हो और गोहर हो तो वहाँ पर बढ़िया रह जाता है भाई पेड़ लगा हुआ। मान पेड़ लगा दिए 3 साल तक फसल भी लियो पेड़ भी तैयार होते रहे। कितना टाइम लगेगा सर तैयार होने में? इन्हों 5-6 साल। 6 साल है? 6 साल। और भाई जिस बग्गी की हम बात कर रहे थे ये इसका रहा टोचन सिस्टम और जो बाइक है ना इसके यहाँ पर ये एंगल लगा हुआ है भाई, इसमें इसकी एक पिन लग जाती है अटैच हो जाती है भाई इसके साथ बग्गी और बड़ा यूजफुल चीज़ है भाई। और भाई आप सामने मंदिर देख सकते हो इस टाइम सजा हुआ है पूरा शिवरात्रि के उपलक्ष में, शिव जी का मंदिर है भाई घर के पास में। और ये रहा भाई वह स्कूल, अभी आपको बच्चों की गेम दिखा देते हैं भाई स्कूल में जाकर। और भाई हरियाणा की सबसे फेवरेट और बेस्ट गेम कबड्डी, पकड़ दे नुनी बात बन दी चक दिया फट्टे भाई तो लैके रख दिया भाई जबरदस्त। दूध दही का खाना नंबर वन हरियाणा। ये किसने बनाया? गंदा बच्चा, सब देख रहे तुझे, वीडियो डालूंगा देखिए, मैम भी देखेगी तुम्हारी। ओए ये सामने देख रहे हो ना भाई, ये है अपना घर यहाँ पर। कितने की है? जलेबियों की शर्त लग रही है? नहीं, बर्गर की। ला भाई पूरा दमखम, कैमरे के आगे फुकरा बनते लिकड़ जाएगी तेरी, कभी चोर दे हो बक जा अपने पड़े वहाँ का तो वो तुम कैमरे पर और स्मार्ट बन रहे थे। गुंगी कबड्डी चल रही है और जब हमारा टाइम था ना तो भाई कबड्डी कबड्डी बोलना होता था जब तक आपका सांस नहीं टूटता था, और जो पर्ची कबड्डी बोल देता था ना भाई तो समझ लो वो बड़ा ही वीर योद्धा होता था भाई, उसको पकड़ने की कोई गुस्ताखी नहीं करता था। क्या हुआ? बस जुल्फा लाने पर, बस जुल्फा लीजिए भाई। शाम के 6:30 बज गए हैं, अंधेरा भी होना भाई थोड़ा थोड़ा सा शुरू हो गया है। ये तो जली नहीं भाई, एक जल गई है पहली और दूसरी जल गई, ऊपर करूँ यहाँ पर? हाँ देखो भाई जैसे मैंने इसके ऊपर हाथ लगाया ना सोलर के ऊपर तो लाइट अपना आप ही जग गई यहाँ पर। और ये पुरानी लाइटें हैं भाई, 5-5, 6-6 साल हो गए इनको, ये बस वैसे ही 100 पीस के लिए टांग रखी है। और पौधे लगाने रह गए भाई, कल लगाते हैं पौधों को, अभी तो रात हो गई, अभी नहीं छेड़ेंगे भाई इनको। होटल जैसा पनीर बनाते एक दिन बनाया था भाई, होटल जैसा पनीर बनाने की डिमांड आई है अथरव की, कैसे कैसे बनेगा देखते हैं भाई बनाकर। लो भाई अथरव की डिश तैयार हो गई है, पनीर में मखाने। कैसी है अथरव? अच्छी है बेटा, ज्यादा नमक नहीं डालते इसमें, क्या कर रहे हो अथरव? पहले नमक इसमें बहुत है, टेस्ट बनेगा बेटे, पापा की बनाई हुई ऐसे नहीं बोलते, पिटाई कर दूंगा तेरी भाई। ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके बाय बाय।